दोस्तों काफी समय से आप लोगों के दो कमेंट आ रहे थे कि सर कोई एक ऐसा तरीका बताओ जिससे दूसरों की तरह हम भी अपने चैनल पे बिना कॉपीराइट के मूवी को अपलोड कर सकें। और दूसरा सबसे ज्यादा आप ये पूछते हो कि सर ये बताइए कि ये लोग मूवी कहाँ से डाउनलोड करते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हो, वो भी बिना कॉपीराइट के। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप 101% अपने यूट्यूब चैनल पे मूवी अपलोड करके पैसा कमा सकते हो। और दूसरा मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको मूवी कहाँ से लेनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं इसमें आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों काफी सारे YouTube चैनल हैं जो अपने चैनल पे मूवी अपलोड करके महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसी तरह दोस्तों आप भी कमा सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से काम करना है जिससे आपकी मूवीज में कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बंदा अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मूवीज अपलोड कर रहा है और इसकी एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग आप देख सकते हो जो कि $4,000 से लेकर के $63,000 तक है। अगर हम इसका मिनिमम $2,000 से $3,000 भी मान के चले तो भी ये महीने के आराम से 2-3 लाख रुपए तक कमा रहा है। दोस्तों चैनल का नाम है सुपर मूवीज। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चैनल पे 6,68,000 सब्सक्राइबर्स हैं और इस चैनल पे जो मूवीज अपलोड हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ 35 मूवीज अपलोड हुई हैं। वहीं आप इनकी मूवीज पे व्यूज देख सकते हो, 2 वीक पहले 15 मिलियन व्यूज, 7 दिन पहले 11 मिलियन व्यूज। इस तरह से इनकी मूवीज में मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। अब मैं आपको प्रूफ के लिए एक और चैनल दिखा देता हूँ। चैनल का नाम है बियॉन्ड सिनेमा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस चैनल पे 4,25,000 सब्सक्राइबर्स हैं और इस चैनल पे भी जो मूवीज अपलोड हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ 39 मूवीज अपलोड हुई हैं। वहीं आप इनकी मूवीज पे भी व्यूज देख सकते हो, 9.9 मिलियन व्यूज, 8.5 मिलियन व्यूज। इसी तरह से इनके मूवीज पे भी मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इनकी कोई एक मूवी प्ले करके दिखा देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये अपने चैनल पे फुल मूवी अपलोड कर रहे हैं। तो अब आप अपने आंखों से यहाँ पे देख सकते हो इनके चैनल पे फुल मूवी अपलोड है। अभी सिर्फ मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आखिर ये लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी ट्रिक यूज कर रहे हैं अपनी मूवीज में जिसकी वजह से इनकी मूवीज में कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है और वहीं अगर आप मूवी अपलोड करते हो तो आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी शोर शराबे की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी मूवी को अपने यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट अपलोड करते हो तो उस पर आपको कॉपीराइट देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट मूवी अपलोड करना नहीं बताऊंगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है चलिए जान लेते हैं। बस आप वीडियो को स्किप मत करना, अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप वो तरीका नहीं जान पाओगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मूवी को एडिट करने का वो तरीका बताऊंगा जो ये लोग यूज करते हैं जिसकी वजह से इनके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको मूवी कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको कोई एक एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है जो एप्लीकेशन आपको अच्छे से आती हो। मैं यहाँ पे काइन मास्टर का यूज करने वाला हूँ। अगर आपको भी विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर चाहिए तो आप उसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ से आपको अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, फिर इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको अपने मोबाइल को कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको इमेज एसेट्स वाले फोल्डर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको काफी सारे बैकग्राउंड मिलेंगे, आपको यहाँ से किसी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से किसी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पे हमें अपनी मूवी को लेके आना है। इसके लिए आपको इस लेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर इस मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपनी मूवी को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी मूवी यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे आपको अपनी मूवी को कुछ इस तरह से पूरे फ्रेम में सेट कर लेना है। अब आपको इसे थोड़ा सा और जूम कर लेना है कुछ इस तरह से। अब आपको अपनी मूवी में सबसे आगे वाले पार्ट पे आ जाना है जहाँ पे हमारी मूवी का नाम वगैरह रहता है। तो अब हमें यहाँ से इस पार्ट को डिलीट कर देना है क्योंकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसे डिलीट करने के लिए आपके राइट साइड में काफी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहीं पे आपको ट्रिम एंड स्प्लिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको जिस भी पार्ट को डिलीट करना है आपको यहाँ पे क्लिक करके उस पार्ट को डिलीट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा आगे वाला पार्ट डिलीट हो गया है। इसी तरह से अब आपको मूवी के लास्ट में चले जाना है। यहाँ पे भी काफी सारे नाम वगैरह रहते हैं, आपको इसे भी यहाँ से कट करके हटा देना है। अब यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट कर लिया है, तो अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी मूवी वाली लेयर पे क्लिक करना है। अब आपके राइट साइड में जो ऑप्शन शो हो रहे हैं वहीं पे आपको स्पीड का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको इसे 1.2x स्पीड तक बढ़ा देना है। अब यहाँ पे हमने अपनी मूवी की स्पीड बढ़ा दी है जिससे इस मूवी का ड्यूरेशन ओरिजिनल मूवी से कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने अपनी मूवी की स्पीड बढ़ा दी है तो इस मूवी की जो वॉइस है वो कुछ कार्टून टाइप की हो जाएगी। तो इसे सही करने के लिए आपको इस कीप पिच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जिससे आपकी मूवी की वॉइस पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अपनी मूवी से सॉन्ग वगैरह हटा देने हैं, नहीं तो इन्हीं सॉन्ग पे आपको कॉपीराइट आ जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा कॉपीराइट सॉन्ग पे
में ही आते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस मूवी में एक सॉन्ग दिख रहा है, तो इसे हटाने के लिए आपको जहाँ से सॉन्ग शुरू हो रहा है वहाँ पे जाना है, फिर आपको ट्रिम एंड स्प्लिट वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसी तरह से आपको सॉन्ग के लास्ट में जाना है, यहाँ पे भी आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस सॉन्ग वाले पार्ट को सिलेक्ट करके फिर इस डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। इसी तरह से आपको अपनी मूवी से सभी सॉन्ग को हटा देना है। अब यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप भी कम्प्लीट हो गया है, तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। अब आपको अपनी मूवी में चेक करना है कि आपकी मूवी में कहीं पे भी सेक्सुअल या धूम्रपान वाले सीन तो नहीं है। अगर है तो आपको वहाँ पे एक काम करना है, आपको उन सीन को ब्लर कर देना है। अब यहाँ पे एक सीन है तो मैं आपको इसे ब्लर करके दिखा देता हूँ। अब सीन को ब्लर करने के लिए सबसे पहले आपको इस लेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आप जिस भी पार्ट को ब्लर करना चाहते हो आपको इसे पकड़ के वहाँ पे सेट कर देना है कुछ इस तरह से। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये काम अपनी पूरी मूवी में करना है जहाँ पे भी सेक्सुअल या धूम्रपान वाले सीन है। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेप भी कम्प्लीट हो गया है, तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी मूवी में हर 5-10 सेकंड में कट लगाने हैं। तो इसके लिए आपको अपनी मूवी में हर 5-10 सेकंड में क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक कर देना है, फिर आपको आगे 5-10 सेकंड पे जाना है और यहाँ पे भी स्प्लिट पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपको अपनी पूरी मूवी में 5-10 सेकंड में कट लगा देने हैं कुछ इस तरह से। जो भी तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर वो सारे तरीके आप अपनी मूवी में अप्लाई करेंगे तो आपकी मूवी में ना तो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा और ना ही कॉपीराइट क्लेम आएगा। बस यहाँ पे मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ उसे आपको अपनी मूवी में ध्यान से करना है। तो यहाँ पे हमने अपनी पूरी मूवी में कट लगा लिए हैं, तो अब आपको यहाँ से पहले वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको इस पार्ट को कुछ इस तरह से और जूम कर लेना है। अब इसके बाद आपको दूसरे वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, अब आपको इस वाले पार्ट को कुछ इस तरह से जूम आउट कर लेना है। ये काम आपको पूरी मूवी में हर दूसरे तीसरे पार्ट में करना है। अब यहाँ पे हमारा फिफ्थ स्टेप भी कम्प्लीट हो गया है, तो अब हम चलते हैं अपने सिक्स स्टेप की तरफ। अब आपको फिर से फर्स्ट वाले पार्ट पे क्लिक करना है। अब आपके राइट साइड में जो ऑप्शन शो हो रहे हैं वहीं पे आपको फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको काफी सारे फिल्टर मिल जाएंगे। अब यहीं पे आपको वार्म फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको इस पहले वाले फिल्टर पे क्लिक कर देना है। अब इसी तरह से आपको दूसरे वाले पार्ट को छोड़कर तीसरे वाले पार्ट पे क्लिक करना है। अब फिर से आपको वार्म वाले फिल्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको दूसरे वाले फिल्टर पे क्लिक कर देना है। अब इसी तरह से आपको चौथे वाले पार्ट को छोड़कर पांचवे वाले पार्ट पे क्लिक करना है और फिर से आपको वार्म वाले फिल्टर पे जाना है और फिर यहाँ से आपको इस तीसरे वाले फिल्टर पे क्लिक कर देना है। अब इसी तरह से आपको पूरी मूवी में एक पार्ट को छोड़कर हर दूसरे पार्ट में वार्म फिल्टर लगा देना है कुछ इस तरह से। अब इससे होगा क्या, तो हर क्लिप में जब आप फिल्टर चेंज करोगे तो जो आपकी मूवी की कंटेंट आईडी है वो चेंज होती रहेगी। तो अब यहाँ पे हमारा सिक्स स्टेप भी कम्प्लीट हो गया है, तो हम चलते हैं अपने सेवन स्टेप की तरफ। अब आपको अपनी मूवी में ब्लैक स्क्रीन लगानी है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको फिर से इस लेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ से इमेज एसेट्स वाले फोल्डर पे चले जाना है। अब यहाँ से आपको इस ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अब आपको इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है, फिर आपको इसे यहाँ पे सेट कर देना है कुछ इस तरह से। अब इस लेयर को आपको यहाँ से पकड़ के पूरी मूवी में कुछ इस तरह से बढ़ा देना है जिससे ये आपकी पूरी मूवी में लग जाए। अब आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको इसे यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरह से नीचे लेके आना है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इसे सेट कर देना है। अब यहाँ पे हमारा 7 स्टेप भी कम्प्लीट हो गया है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, चाहो तो आप अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद में आपको यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। अब आपके राइट साइड में अल्फा ओपेसिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल कम कर लेना है कुछ इस तरह से। अब इस फॉन्ट वाली लेयर को यहाँ से पकड़ के आपको अपनी पूरी मूवी में सेट कर लेना है कुछ इस तरह से, जिससे आपका ये नाम आपकी पूरी मूवी में शो होने लगे। अब इसे आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके लिए आपको इस एक्सपोर्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको कोई एक रेजोल्यूशन को सेट कर लेना है, फिर आपको इस सेव एज वीडियो वाले बटन पे क्लिक कर देना है जिससे ये मूवी आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। अब बस आपको इसे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, आपको कहीं पे भी ओरिजिनल मूवी का नाम नहीं लिखना है, चाहे वो टाइटल हो या डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मूवी कहाँ से लेनी है, तो इसके लिए सिंपल आपको अपने यूट्यूब पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको जो भी मूवी चाहिए आपको उसे यहाँ पे सर्च कर लेना है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ज्यादातर साउथ की मूवी ही लेनी है, आपको बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी नहीं लेनी है क्योंकि इनमें कॉपीराइट आने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए ज्यादातर कोशिश करो कि आप अपने चैनल पे केवल साउथ की मूवी ही अपलोड करो, और अगर आपको कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी अपलोड करनी भी है तो उसे आप अपने चैनल पर केवल 24 घंटे तक ही अपलोड रखो। 24 घंटे के बाद में आप उस मूवी को वहाँ से डिलीट कर दो। तो अब आपको यहाँ पे सर्च करना है साउथ मूवी इन हिंदी, या आप यहाँ पे मूवी का नाम भी लिख सकते हो। अब आपके सामने काफी सारी मूवी आ जाएंगी, लेकिन अभी रुको, अभी आपको मूवी डाउनलोड नहीं करना है। अभी आपको पहले इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, फिर आपको सर्च फिल्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको
क्रिएटिव कॉमन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो आपको मूवी शो हो रही है आपको इन्हीं में से मूवी को डाउनलोड कर लेना है। अब मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करना नहीं बताऊंगा क्योंकि ये यूट्यूब के पॉलिसी के अगेंस्ट है और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना पहले से ही आता है। मैं आपको 101% गारंटी दे रहा हूँ कि जो तरीका मैंने आपको बताया है अगर आप उस तरीके से अपने चैनल पर मूवी अपलोड करोगे तो आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और इस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल से महीने के लाखों रुपए कमा पाओगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक आपने ख्याल रखिएगा, बाय बाय।